Hello, I am Dr. Ravi Sauhta. I work as a director and head of the Department of Joint Replacement and Orthopedics at Max Hospital, Gurgaon. I have more than 28 years of experience in the field of orthopedics and joint replacement. And my niche area of work is replacement of hip and knee joint, revision surgeries for hip and knee joint. I do have specialize in Pelvic-Acetabular Surgery. Not many people work in this particular field, and I do a lot of high-end complex trauma surgery for difficult unsolved fractures, especially using the most modern AO techniques. So, आज दोस्तों मैं आपको Pelvic-Acetabular Fracture के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा. पेल्विस एसिटेबुलम जो एरिया होता है वो हिप का, ये पेल्विस बोला जाता है और ये हिप जॉइंट होता है. इस एरिया को जो ये वॉल है, ये हिप जॉइंट है इस तरह से, और ये जो वॉल है इसको एसिटेबुलम बोलते हैं. और कुछ फ्रैक्चर जो है इस एरिया में होते हैं, और ये जो फ्रैक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं जो इस एरिया को इन्वॉल्व करते हैं. इसमें फ्रैक्चर जो है, ये वॉल जो है कई बार टूट के अंदर चली जाती है और हिप जॉइंट सेंट्रल डिसलोकेशन में चला जाता है. और कई बार ये फ्रैक्चर जो है पोस्टीरियर कॉलम उखड़ जाता है, जिसमें पीछे की वॉल डिसलोकेट होके हिप जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, पीछे की वॉल टूट जाती है और हिप जॉइंट जो है पीछे के लिए, पीछे की तरफ और पोस्टीरियर डिसलोकेशन में चला जाता है. इसी तरह से कई बार स्पेशली सीनियर सिटीजन में, जो मोर देन 60-70 ईयर्स के होते हैं, उनमें एंटीरियर वॉल बहुत कॉमन फ्रैक्चर हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर इस डिसलोकेशन जो है सेंट्रल और एंटीरियर कॉलम की तरफ हो जाता है. तो ये वाले जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं. इन फ्रैक्चर्स जनरली दो तरह के फ्रैक्चर्स ये देखे, दो तरह की एज वो देखी गई है इसमें. कुछ यंग पेशेंट्स में हाई वेलोसिटी इंजरीज के कारण होते हैं, और सीनियर सिटीजन में क्योंकि बोन क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, जिसके कारण ये फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं. और मोस्ट ऑफ दिस फ्रैक्चर जैसे यंग पेशेंट्स में जब होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो है, इन एडिशन टू पेल्विक फ्रैक्चर, कुछ एडिशनल इंजरीज होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी इंजरीज होती है, रोड व्हीकलर एक्सीडेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, या फॉल फ्रॉम हाइट से कारण होते हैं, या हिट बाय दी व्हीकल, पेडेस्ट्रियन हिट बाय दी हाई स्पीड व्हीकल के कारण होता है. तो इसमें क्या होता है कि इन एडिशन टू पेल्विक इंजरीज देर आर एडिशनल इंजरीज. सो सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो इमीडिएटली जैसे ABC बोलते हैं, एयरवे ब्लीडिंग प्रिवेंशन एंड सर्कुलेशन मेंटेनेंस करने के बाद पेशेंट को रिसेसिटेट किया जाता है इमरजेंसी में. और इमीडिएट इवेल्युएशन, जैसे बोलते हैं फर्स्ट लुक इवेल्युएशन किया जाता है. और फर्स्ट लुक इवेल्युएशन करने के बाद फिर हम इन पेशेंट्स को स्टेबलाइज कर देते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं. इन्वेस्टिगेशन में इनके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में एक्सरे किए जाते हैं और CT स्कैन किया जाता है. अगर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जांपल हाई वेलोसिटी पॉलीट्रॉमेटाइज्ड पेशेंट है जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व है, एब्डोमिनल इंजरी है या हेड इंजरी साथ में है, तो ओबियसली इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूरोसर्जन इन्वॉल्व होगा, जनरल सर्जन इन्वॉल्व होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन्वॉल्व होगा, तो इस तरह से. और इंटेंसिविस्ट या इमरजेंसी सर्जन जो है, वो इमरजेंसी डॉक्टर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं. तो इस तरह से हम पेशेंट को जैसे रिसेसिटेट कर देते हैं एक बार, तो फिर इन सर्जरीज के लिए प्लान किया जाता है. कुछ पेशेंट्स में जिसमें हेड इंजरी होती है या इमरजेंसी हेड इंजरी सर्जरी की ज़रूरत होती है, उन पेशेंट्स को स्टेबलाइज करके फिर इमरजेंसी सर्जरी के लिए लिया जाता है. और कुछ पेशेंट्स जिनमें प्राइमरी एस्टेबुलर प्रॉब्लम होती है या पेल्विक रिंग की फ्रैक्चर है, कई बार सिर्फ पेल्विक रिंग भी इन्वॉल्व होती है, तो ऐसी सिचुएशन में पेल्विक स्टेबलाइजेशन के लिए इन पेशेंट्स को लिया जाता है. तो मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूँ. एक पेशेंट को जो है इस तरह से फ्रैक्चर होता है कि उसमें दोनों कॉलम कई बार टूट जाते हैं, एंटीरियर कॉलम टूटता है, पोस्टीरियर कॉलम टूटता है, फ्रैक्चर ऑलमोस्ट होल ऑफ द पेल्विस के साथ, मतलब बाई कॉलमनर फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं, इन्वॉल्व होता है. दीज आर हाईली कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स और बहुत आसानी से
इन पेशेंट्स को सबको ही ट्रीट नहीं करता है. एंड फॉर्चुनेटली आई हैव अ एक्सपर्टीज इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज के कारण, बहुत सारी फेलोशिप्स के कारण, यूएस में और कोरिया में मैंने कुछ फेलोशिप्स की हैं, और इंडिया में भी बॉम्बे ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अंडर कुछ फेलोशिप्स की हैं, जिसके कारण आई हैव एक्वायर्ड अ स्पेशल स्किल. तो इस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत हाई एंड रिजल्ट के साथ ऑपरेट करता हूँ.